जी हाँ हेलो दोस्तों, बूंदे दी पॉडकास्ट सर्विस विच तुहाडा स्वागत करती है जी तुहाडी दोस्त जसलीन कौर। ते विशा जारी है पंजाबीयत दा। दोस्तों जे विशा होवे पंजाबीयत दा ते पंजाब दे व्याहां बारे ना गल कीती तां की कीता? हाँ जी दोस्तों, अज मैं तुहाडे नाल जानकारी सांझी करन जा रही हाँ पंजाब दे व्याहां बारे, रीति रिवाजां बारे। दोस्तों पंजाब विच इस समय व्याहां दा दौर चल रहा है, तो मैं सोचा कि क्यों ना तुहानू सब नू पंजाब दे व्याहां बारे जाणू कराया जावे। दोस्तों अजकल दे व्याह तो चलो मैरिज पैलेसिस विच कीते जांदे ने, पर जदों मैरिज पैलेसिस हुंदे ही नहीं सी उदों दे व्याहां दा अंदाज भी बड़ा वक्खरा हुंदा सी। पुराने समय विच व्याहां शादियां दी रस्मां बड़े ही सोहणे तरीके नाल पुगाईआं जांदीआं सी। कुड़ी दे व्याह विच वक्खरे शगन विहार कीते जांदे ते मुंडे दे व्याह विच भी वक्खरे। दोस्तों पुराने समय विच कई महीने पहले ही विआह दीआं तैयारियां शुरू हो जांदीआं। उन्हां समयां विच नाई दी खास भूमिका हुंदी सी। जदों विआह रख्या जांदा तां सब तों पहलां विहार हुंदा सी सद्दा पत्र भेजण दा, जिहनूं गंढ भेजणा कहिंदे ने। गंढ मतलब गंढड़ी, जिहदे विच विआह दी चिट्ठी जां कार्ड दे नाल ही मूँह मिठा कराउण लई गुड़ जां मिठाई हुंदी सी। ते जेड़े परिवार नू सद्दा पत्र भेजा जांदा सी ओह परिवार उस नाई दी चंगी आओ भगत करदा सी, उनू कपड़े ते शगन दित्ता जांदा सी। दोस्तों उस तो बाद वारी आ जांदी व्याह ते पहुंचण दी। हुण जे व्याह ते पहुंचणा है तां उहदे तों पहलां तैयारी वी तां जरूरी है ना। तां दोस्तों सद्दा पत्र मिलण तों बाद व्याह ते पहुंचण दीआं तैयारियां जोरां शोरां नाल शुरू हो जांदीआं। सारे आपो अपने कपड़े तैयार करन लग जांदे, क्योंकि टौर ना दी भी तो कोई चीज़ हुंदी है ना। तो दोस्तों जे गल करिए गाउण बजाउण दी, तां इहदे तों बिना तां विआह वी कादा है कि नहीं। तो इत्थे मैं तुहानू दस दियां कि पंजाब विच विआहां ते गीत भी वक्खो वक्खरे हुंदे ने। मतलब कुड़ी दे विआह ते सुहाग गाए जांदे ने ते मुंडे दे विआह ते घोड़ियां गाईआं जांदीआं ने, जिन्हां तों पंजाब दे विरसे दी पहचान हुंदी है। दोस्तों कुड़ी दे व्याह विच गाए जाण वाले गीतां विच कुड़ी दीआं सदरां जज्बात, अपने माँ बाप लई प्यार, वैराग ते भरावां दी इज्जत, अणख ते शान गीत दा अहम हिस्सा हुंदे सी। जिवें इक चंदन चौंकी जी हीरे मोती जड़त जड़े, उत्ते बीबी बैठी जी बाबल मूहरे अर्ज करे। बाबल ओ वर टोल्यो वे जिथे बीबी राज करे, जिथे बीबी राज करे। दोस्तों माँ बाप लई बेहद खूबसूरत गीत जो हर किसी नूं भावुक कर दिंदा, जिहदियां के कुछ लाइना मैं तुहाडे नाल सांझियां करना चाहूंगी। कणकां छोलियां दा खेत हौली हौली निसर गया, बाबल धर्मी दा देस हौली हौली विसर गया। माता मंदड़े बोल ना बोल, असीं तेरे ना आवांगे, बाबल धर्मी दे देस कदे फेरा पा जावांगे। वाकई दोस्तों इस गीत दा एक एक बोल भावुक कर दिंदा। दोस्तों इस तरह ही मुंडे दे व्याह विच घोड़ियां गाईआं जांदियां ने, जिहदे विच माँ बाप ते भरावां दी आन शान नाल संबंधित गीत गाए जांदे। उहदियां भी कुछ लाइनां मैं इत्थे तुहाडे नाल सांझियां करना चाहूंगी। निक्की निक्की कणी निक्किया मीं वे वरे, नदी किनारे घोड़ी घा वे चरे, माँ वे सुहागण तेरे शगन करे, दम्मा वाली बोरी तेरा बाप फड़े, हाथियां दे संगल तेरा दादा फड़े। दोस्तों गीत गाउण दी रसम विआह तों पहलां ही शुरू हो जांदी। खास तौर पर पंजाब के पिंडां दी जे गल करिए तां विआह वाले घर महीना पहले ही गीत बिठाए जाने शुरू हो जाते सी। दोस्तों गीतां दी इत्थे खास गल मैं तुहानू ए वी दस दियां कि मुंडे जां कुड़ी दे रिश्तेदारां दा जिक्र भी गीतां विच कीता जांदा सी, ते एक दूसरे नाल हासा मजाक ते टिचरां भी कीतियां जांदियां सी। इहदे नाल ही विआह वाले घर हलवाई बह जांदा ते विआह दी चहल पहल शुरू हो जांदी सी। रजाइयां तलाइयां खेस बिस्तरे सब तैयार हो जांदे ते लड्डूआं दी महक नाल सारा पिंड मिठास नाल भर जांदा।
फिर दोस्तों ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਟਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੱਜਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਾਈ ਧੋਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਭਰੀ ਚੰਗੇਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੋਹੜੀ ਦਾ, ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਸੇਰਾ ਬਣਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਬੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਬਰਾਤ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹਾਈ ਧੋਈ ਨੈਣ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਬੂੰਦੇ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਹੈ bunde.podcast@gmail.com bunde.podcast@gmail.com। ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।